ओके तो हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारा थोड़ा ना टिपिकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको समझाऊंगा इसमें, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन अपने उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखो पहले देखते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपियर इन द जर्नल लेजर ऑफ मिस्टर वासु फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। तो हमें सिर्फ फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015 के लिए बनाना है लेजर अकाउंट, और ये कहाँ आएगा, अपियर इन द जर्नल लेजर, मतलब जर्नल लेजर के अंदर जो हम डेटर या क्रेडिटर टोटल अकाउंट बनाते हैं उसमें से कोई एक अकाउंट होगा। कौन सा बनाना है डेटर या क्रेडिटर में, वो इन्होंने हमें अभी ओपन नहीं किया। इन्होंने कहा रेलिवेंट, तो रेलिवेंट का मतलब जो हमें इसमें एंट्री दे रखी है, अगर डेटर टच कर रहे हैं तो डेटर भी बनाओ, क्रेडिटर को टच कर रहे हैं तो क्रेडिटर भी बनाओ। ओके एक बार मैं आपको अपने नोट्स से भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये कह रहे हैं प्रिपेयर रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपियर इन जर्नल लेजर। तो ये जर्नल लेजर है, इसके अंदर रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट आते हैं एक डेटर का और एक क्रेडिटर का, ठीक है ना। एज पर द इंफॉर्मेशन हमें बनाना है। जैसे अभी हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे परचेजेज आ रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें बनाना क्या था डेटर्स लेजर अकाउंट, परचेजेस आ रहा था तो हमने कोई एंट्री नहीं करी। लेकिन अगर यहाँ लिखा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रेलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जर्नल लेजर, तो फिर हम क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करते और ये अमाउंट इसमें डालते, समझ के। तो चलो ये फटाफट करते। तो ये टाइप फिर क्या होता है, इन क्वेश्चन के अंदर ना अलग अलग लोगों के नाम दे रखे होते हैं जिनसे हमने ट्रांजेक्शन कर रखी है। ओके तो इसमें हमें बेसिकली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं बता रखा, हमें टोटल पेमेंट कितनी करी, टोटल हमने परचेज कितने करे ये हमें नहीं बता रखा, टोटल हमें गुड्स रिटर्न हमने कितना किया हमें वो नहीं पता। तो इन सबको ना हम पहले क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन लेके कहीं पे साइड में लिख लेंगे और उसके बाद हम एक साथ एंड में अपना ये क्रेडिटर लेजर अकाउंट या डेटर लेजर अकाउंट जो भी बनाना होगा बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले एक स्टार्टिंग ही वर्किंग नोट से करनी है। देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं, परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स 2000। तो आप एक क्या करो, परचेज करके एक हेडिंग डालो और यहाँ पे एक्स का नाम डाल के उसके नाम 2000 रुपये लिख दो। ओके फिर है पेड 1600 आफ्टर एडजस्टिंग द इनिशियल एडवांस इन फुल टू मिस्टर एक्स। तो अभी हमने मिस्टर एक्स से 2000 रुपये की परचेज करी और ये कह रहे हैं हमने उसको 1600 रुपये दे दिए और बाकी जो उसको हमने इनिशियल एडवांस दिया था वो एडजस्ट कर लिया। तो 2000 में 1600 माइनस करो 400 रुपये क्या है, ओपनिंग एडवांस, ठीक है। तो ये है एडवांस पेड टू क्रेडिटर, एडवांस पेड टू क्रेडिटर एक्स को दिए थे 400। ओके और पेमेंट एक्स को पेमेंट करिए 1600, ठीक है ये हो गया। पेड 1000 टू मिस्टर आर टुवर्ड द परचेजेस मेड इन फेब्रवरी इन फुल। हमें अकाउंट बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो फेब्रवरी में कोई हमने परचेज की थी उसके पैसे अभी हम अब दे रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट में तो आप डाल दो आर को दिए 1000, ठीक है, और फेब्रवरी की परचेज थी और हम अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स आर हो गए 1000, ठीक है। नेक्स्ट है पेड एडवांस टू मिस्टर वाई 3000। तो वाई को हमने पेमेंट करी कितनी 3000, और ये क्या है, ये हमारा एडवांस पेमेंट है, तो ये ओपनिंग एडवांस था। अब एक आप यहाँ पे लिख लो क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स वाई को 3000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए 4000। ए से हमने 4000 रुपये खरीदे गुड्स, ओके, और ये 4000 अभी हमारे क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा अनटिल और अनलेस अगर हमें कुछ बताया हो कि हमने वो पेमेंट करी कि नहीं करी, ठीक है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ए 4000, समझ गए ना, मतलब मान लो अभी ये तो 14 तारीख है, आगे पूरे मार्च में हमने ए को अगर कोई पेमेंट नहीं करी तो इसका मतलब ये 4000 के जो हमने गुड्स मार्च में पे किए इसकी पेमेंट हम अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी करेंगे,
ठीक है ना? तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ लिख के तो रख लेते हैं, और अगर पेमेंट करी होगी तो हटा देंगे इधर से, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? रिटर्न्ड गुड्स वर्थ 500 टू मिस्टर ए, तो अब हमारा यहाँ पे परचेज रिटर्न ए 500, ठीक है? तो अब ये 4000 काट के कर दो 3500, 4000 देने थे तो 500 का माल वापस भेज दिया, अब खाली 3500 रुपये देने हैं। सेटल्ड द बैलेंस ड्यू टू ए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ए को अब कितने देने थे? 3500, तो हमने क्या किया, 10% उससे डिस्काउंट ले लिया और उसको बाकी के पैसे दे दिए, तो ये 3500 ख़त्म हो गए। कैसे ख़त्म हुए? एक तो हमने उससे डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, 3500 का 10% 350, बैलेंस कितना बचा आपका 3500 माइनस 350 3150, तो ये 3150 की हमने पेमेंट कर दी ए को, तो ये दोनों से ये फिनिश, ठीक है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर वाई 2500 अगेंस्ट एडवांस पेड ऑन 13th। तो अब देखो, एक हमने यहाँ पे वाई को एडवांस दिया था, ये रहा 3000, तो इस 3000 में से हमने 2500 के तो गुड्स खरीद लिए, अभी एडवांस कितने का रह गया 500 का, गुड्स कितने के खरीदे 2500, परचेज में डाल दो 2500 वाई से, इजी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। रिसीव्ड एट बैंक द एडवांस फ्रॉम मिस्टर पी पेड ऑन 20th February 2015। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक हमारे सप्लायर थे पी करके, क्रेडिटर थे, उनको हमने एडवांस में कुछ पैसे दे रखे थे 28 फरवरी को, तो अभी हमने उनसे कोई ट्रांजैक्शन करी नहीं, तो उन्होंने हमारे वो पैसे वापस कर दिए, तो ओपनिंग एडवांस में ये 2000 रुपये लिख दो, किससे, पी से, और अब ये हमें पैसे वापस आ गए, ठीक है? तो पेमेंट रिसीव्ड 2000, पेमेंट रिसीव्ड बैक फ्रॉम सप्लायर कितना है, पी से आए 2000, ओके। नेक्स्ट है परचेज्ड फ्रॉम बी 2000, बी से 2000 की परचेज करिए, तो बी को ये 2000 देने हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में लिख दो, हो गया। गुड्स रिटर्न्ड टू क्यू 750, तो क्यू को हमने 750 के गुड्स वापस भेज दिए, तो क्यू के साथ तो हमारी कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं थी, इसका मतलब क्यू को कोई हमारा ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर होगा जिसको हमें पैसे देने थे, अब पैसे देने की जगह हमने क्या किया, उसको परचेज रिटर्न भेज दी, तो हमारा अकाउंट फिनिश हो गया उसके साथ, ठीक है ना? फिर से रिपीट कर देता हूँ, गुड्स रिटर्न टू क्यू 750, भाई क्यू करके हमारे कोई क्रेडिटर थे, हमने उनको 750 के गुड्स वापस भेजे, ठीक है? अब दो ही बात हो सकती है, या तो अब हमें 750 उनसे वापस लेने हैं, या हमारा कोई बैलेंस खड़ा होगा, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है? और सपोज़ करो कि आप कहते हो कि सर ये तो हम कैसे मान लें कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग खड़े, तो ठीक है यहाँ मत लिखो, आपने उसको 750 के गुड्स वापस किए ना, तो फिर वो आपके एडवांस में खड़ा हो जाएगा, ठीक है? जैसे भी करना है कर सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी क्लियरली कुछ बता नहीं रखा, तो यू कैन एज्यूम, ओके। तो अब हम टोटल करते हैं इन सब का, परचेजेस हो गई आपकी 2000 प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस 2000 10500, एडवांस ओपनिंग एडवांस बैलेंस हो गया 2400, पेमेंट्स हो गई 1600 1000 3000 3150 8750, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हो गए फिर आपके 1000, परचेज रिटर्न हो गई आपकी 1250,
क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स हो गए आपके 1250, डिस्काउंट रिसीव्ड 350 फाइनल टोटल, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हो गए आपके 2000, पेमेंट रिसीव्ड बैक फ्रॉम सप्लायर 2000। ठीक है, अब ये सारी एंट्रीज हम अपने लेजर में करते हैं। तो ये होगा आपका इन जर्नल लेजर क्रेडिटर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ओपनिंग बैलेंसेस। तो जो ओपनिंग एडवांस था, मतलब ये हमारे लिए एसेट है, डेबिट साइड पे आ रहा होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्वेंटी फोर हंड्रेड ब्रैकेट में लिख दो, एक्स और पी से आना था। ओके, ये हो गया। जो होता जा रहा है वो टिक करते जाओ, नहीं तो एग्ज़ाम में कुछ आपका छूट जाएगा, या तो यहाँ टिक कर लो। ओके, फिर आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स का जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये रहा, ये आपका 1000 है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में किससे आर 1000। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमने परचेज क्या क्या करी। तो यहाँ आएगा आपका बाय जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पे आपकी परचेजेस। परचेजेस आपने करी टोटल 10,500। किस किस से करी? एक्स ए वाई बी, एक्स ए वाई बी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और आपका इस साइड पे क्या आएगा, चलो अभी ये देखते हैं। पहले ऊपर की लाइन पेमेंट, 8,750 की आपने पेमेंट करी, तो वो यहाँ लिखेंगे टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट करी 8750। किस किस को करी? एक्स आर वाई ए ओके, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इधर आते हैं, परचेज रिटर्न। तो 1250 का हमने परचेज रिटर्न किया, किस किस को किया? ए और क्यू को। ये हो गया। फिर क्लोजिंग एडवांस बाद में देखेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड 350 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो इतने से हमारे क्रेडिटर कम हो गए। किससे डिस्काउंट रिसीव हुआ? क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, शायद ए था। सेटल्ड द बैलेंस ड्यू टू ए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ए ये हो गया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी देखते हैं। पेमेंट रिसीव्ड बैक फ्रॉम सप्लायर, तो ये जो हमने पी को ओपनिंग एडवांस दे रखा था, ये हमें से वापस हमारे बैंक में पैसे आ गए। ठीक है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, बैंक में पैसे आए तो बैंक डेबिट होगा ना 2000। पी ओके, अब हम देखते हैं हमारा क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर कितना आ रहा है। 1250
जब हमारा ओपनिंग एडवांस यहाँ आ रहा था तो क्लोजिंग एडवांस यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन y और q से 1250। ऐसी क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो हमें देना था, हमारी लाइबिलिटी थी, वो इधर आ रहा है तो क्लोजिंग इधर आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है 2000 बी से। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई होप अकाउंट आपका बराबर आना चाहिए। ओके ट्वेंटी फोर हंड्रेड एट सेवन फाइव ज़ीरो वन टू फाइव ज़ीरो थ्री फिफ्टी टू थाउजेंड, ये हो गया आपका 14750। ये साइड भी हमारा 14750 होना चाहिए। 1000 10500 2000 1250 14750। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। बट अगर आपका ये क्वेश्चन अभी नहीं देखा हुआ होता, आई एम डेफिनेटली श्योर एग्ज़ाम में आप इसको गलत करके आते। आप क्या करते, आप एंट्री बाय एंट्री एंट्री करने की कोशिश करते और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन कराना ज़रूरी था। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हमारा फिनिश।